क्या बात है इंस्पेक्टर भारत, हम सबको इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? आखिर ये चक्कर क्या है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो हीरा यहाँ से कैसे गायब हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि अंधेरे का फायदा उठाकर किसने आफ्ताब चोरी कर दिया। वो हीरा ना तो हॉल में बरामद हुआ और ना ही किसी के पास। Am I right? अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हीरा गायब कैसे हुआ। ईरानी साहब, ये है वो नकली हीरा। अब बिना किसी के बाहर गए मैं ये हीरा यहां से गायब कर सकता हूं। इट्स इम्पॉसिबल। जब कोई बाहर गया ही नहीं है तो हीरा गायब कैसे हो सकता है? हो सकता है गुनों साहब, जादू से हो सकता है। आप सब लोग बराए मेहरबानी अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे दो मिनट के लिए, प्लीज। अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। उस दिन जब दो मिनट के बाद लाइट वापस आई थी तो हीरा गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे आज गायब हुआ। आप लोग चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। अगर वो हीरा आपके पास नहीं है तो फिर वो हीरा कहां है? श्रीवास्तव, मैं बताता हूं कि वो हीरा कहां था। वो हीरा रॉकी के नीचे चिपका हुआ था, मैंने उसे चिपकाया था। इसका मतलब आफ्ताब इसी तरह? जी हाँ, आफ्ताब भी इसी तरह रॉकी के साथ मंदिरा जी तक पहुंच गया। जब मैं रॉकी का पीछा करता हुआ बेडरूम में गया था, आपके बेडरूम में, तो मैंने मंदिरा जी के हाथ में रॉकी के बाल चिपके हुए देखे। यकीनन वो रॉकी के ही बाल थे, हीरा निकालते वक्त चिपक गए होंगे। आप ये कहना चाहते कि मंदिरा ने? जी हाँ, आपकी मंदिरा जी ने यह हीरा चुराया और उसे कहीं छुपाया। ये सब क्या बकवास है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। आपने ये तो बताया कि ऊपर मंदिरा ने हीरा निकाला, लेकिन यहाँ नीचे रॉकी के बालों में वो हीरा छुपाया किसने? उसी ने चिपकाया होगा जो हीरे के बहुत करीब था और जिसे सबसे ज्यादा सहूलियत हासिल थी। ठीक कह रहा हूँ रानी साहिबा? आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं हम कौन हैं? आप पर हम मानहानि का दावा कर सकते हैं। जरूर कीजिए, आप मुझ में मानहानि का दावा जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके सेफ से वो आफ्ताब बरामद करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो आफ्ताब आप ही के सेफ में है। श्रीवास्तव, सेफ खोलने का बंदोबस्त करो। हर किसने आप आफ्ताब को हाथ नहीं लगा सकते। देखिए रानी साहिबा, अब तो आपने कबूल कर ही लिया, तो बेहतर इसी में कि मुझे मेरी कार्रवाई कर लेने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मान मर्यादा बचाने की पूरी कोशिश करूंगा।
लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। बस बस मिस्टर भरत, हम और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कबूल करते हैं कि हमारे राज्य शान को बनाए रखने के लिए हमने बहुत कर्जे लिए थे, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम आफताब को बेच देंगे। लेकिन हमें मालूम था कि सरकार हमें इसकी इजाजत नहीं देंगी, इसीलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा। इससे हमारे दो फायदा थे, एक तो बीमा की रकम और दूसरी आफताब की कीमत। लेकिन अफसोस, हमारा वफादार रॉकी ही हमारे जुर्म का सुराग छोड़ के दौलत भी कमाल चीज है रानी साहिबा। ये वो चीज है कि जब तक इसकी जरूरत बनी रहती है तो ये आपको मेहनत का रास्ता दिखाती है, और जब ये हवस बन जाती है तो जुर्म के दरवाजे खोल देती है।